नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। आईसीसी T20 विश्व कप में टीम इंडिया का आगाज अच्छा नहीं रहा। भारत को अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। भारत अपना अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या नेट पर गेंदबाजी करते नजर आए हैं, जो भारत के लिए राहत वाली खबर है। हार्दिक पांड्या ने महीनों बाद बुधवार को पहली बार नेट पर गेंदबाजी की। भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री और मेंटर महेंद्र सिंह धोनी भी हार्दिक को अभ्यास करते देख रहे थे। हार्दिक ने गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर से थ्रो डाउन का सामना किया। हार्दिक के गेंदबाजी करने से कप्तान कोहली ने जरूर राहत की सांस ली होगी। पांड्या अगर गेंदबाजी करते हैं तो कप्तान विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले में छठा गेंदबाज का विकल्प मिल जाएगा। दरअसल हार्दिक पांड्या पिछले कुछ महीनों से गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। उनकी फिटनेस को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। हार्दिक के गेंदबाजी नहीं करने से टीम का संतुलन बिगड़ गया था। IPL 2021 के पूरे सीजन में हार्दिक ने एक गेंद भी नहीं डाली थी। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी हार्दिक को कंधे में चोट लग गई थी और वो दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे थे। पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पूरी तरह से बल्लेबाज के तौर पर खेले थे, लेकिन 8 गेंद में मैच 11 रन ही बना सके। हालांकि अब खबर है कि हार्दिक पांड्या की चोट बिल्कुल ठीक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।